एक दफा मैं जंगल में जा रहा था अभी सड़क पे था जंगल में घुसा नहीं अभी अच्छा। अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई नहीं आती नहीं आती चीते की नहीं किसी की भी नहीं आती तो मेरे जेन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है बहुत अच्छे मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा लेकिन उससे पहले उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया डरा <laughs> <बचे के दूसरे। laughs> दिया बेवकूफ। भाई चीते के जंप से डरना ही चाहिए नहीं तो दुरानी साहब आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है मेरी एक बात याद रखें फ्री साहब एक बात सिर्फ एक बात दो नहीं। नो नहीं वन <laughs> ओके चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है वाह वाह। बड़े जानवर को रोकता नहीं और छोटे को छोड़ता नहीं वा। यानी इसी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चीता जंगल का ट्रैफिक वार्डन है। यस कोर्स और क्या निशानी होती है वार्डन की बताओ तुम बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है मगर है बेवकूफाना <laughs> नहीं तो फिर चीते ने कागजात दे के आपको जाने दिया ओहो चीते ने मेरे ऊपर जंप लगा दिया है कहानी यहाँ तक पहुंच गई है हा, हा, हा। फिर क्या जब उसने छलांग लगाई तो मैंने फौरन बंदूक ऐसे सीधी करके उसके पेट में चुपा दी <laughs> वो हाय मैं मर गया कह के इधर छलांग लगा के बाग वैसे दुरानी अंकल आपका कोई भी शिकार सीरियस नहीं है और दफर चीता कह रहा है मैं मर गया ये सीरियस बात नहीं ऐसे फरीद साहब आप ये देखें कि चीता मेरी इज्जत करता है जब उसके पेट में मैंने बंदूक चुबाई वो गाली वाली भी दे सकता था नहीं दरानी साहब वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके साथ ओ सो so नाइस nice. ओ नाइस सलाम अलैकुम दरानी अंकल वालेकुम सलाम साहब खाना तैयार हो गया कहें तो लगा दूं एक मिनट मैं नहीं बताओ साहब चिकन कोरमा बनाया है दाल चावल और रहता है सर और जो मैं हिरन का गोश्त वो नहीं बनाया वो हिरन का गोश्त था पर पोटा तो उसमें मुर्गे का था <laughs> मुर्गे का पोटा जी आयर तो मैंने हिरन पे किया था इसका मतलब हिरन से निकल कर गोली मुर्गे को लगी है अस्सलाम <laughs> <laughs> पापा। तो मेरे कमरे में छोड़ा थी अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते हैं ना तो अपना सारा सामान साथ लेके जाया करो बाद यह जादू टूना, हाँ? टूना फंसा हुआ है ये जब छोटी थी ना हाँ? सोचती थी कि मेरे पापा पे किसी ने काला जादू कराया है <laughs> वो भी एक रीजन था हसे जरूर आप हसे जरूर लेकिन वो भी एक रीजन था अच्छा आपकी भाभी बहुत गोरी थी इतनी गोरी इतनी गोरी इतनी गोरी कि मैं उसके साथ जाता हुआ लगता था कि मैं काले जादू का शिकार हुआ अच्छा माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत थी ओ इतनी इतनी खूबसूरत थी कि मैं कभी कभी पूछ लेता था कि आप किसके साथ हैं पापा आप क्यों घर की बातें यहाँ लेके बैठ जाते हैं बेटा ये भी अपना घर है ये अपना घर संजय तब है ना

ओहो, आपकी इन बातों में छोटे पोटे वाला हिरण सारा ठंडा हो जाएगा ये बच्चा कहीं मेरी छेड़ी ना डाल दे अंकल <laughs> भाईजान अगर आपने अभी गपशप लगानी है तो हम फिर बच्चे पहले खाना खा ले बच्चे अब्दुल सलाम अगर तुम बच्चे हो तो वाकई बच्चे पालना बहुत मुश्किल है <laughs> ऐसा बच्चा अगर पहले खाना खा लेना तो फिर सारी फैमिली इस बच्चे का बचा हुआ खाती है आए पापा खाना खा लें सिर्फ पापा को पूछना हमें ना पूछना ओ बहन जी मैंने क्या खाना है हिरन ही पोटे वाला निकला है हमने कौन सा खुद खरीदा है आप ही लेकर आए हैं अच्छा ये भी एक अजीब सी बात है वो लड़की आपकी अब बहू है ये घर उसका है उसके वालिद साहब आपके घर में आए हैं आपके मेहमान है वो अगर आपकी बहू ने अपने वालिद को पूछ लिया कि आए खाना खाए तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है बात असल में होता ही ये है ना बात यह है कि वो पहले कह रही है कि भाई इसने कभी अपना घर समझाओ तो तब बहना अब वो अपना घर समझ रही है उसे मालूम है कि मेरा बाप यहाँ मेहमान आया है तो वो बतौर मेजबान उनको कह रही है आए खाना खा ले उस वक्त वो ये कहेगी कि नहीं सिर्फ बाप को ही कहो हमें ना कहो जी। नहीं जी नहीं मैं भी मेहमान नहीं हूँ हाँ। ये मेरा अपना घर है बेटी तो मैंने अब भी आई है तो मेरा बचपन का दोस्त है हाँ मैं तो तब से आ रहा हूँ यहाँ कोई ऐसी तकल्लफ वाली बात नहीं है जाओ अब्दुल सलाम खाना खाओ जाके हिरन का पोटा छोटा है तुम्हारा तो बड़ा है ना तुम्हारे पोर्टल में तो पूरा हिरन आ सकता है अस्सलाम वालेकुम लो भी हिरन भी आ गया <laughs> ओह इरफान क्या हाल है बेटे ठीक हो अस्सलाम वालेकुम अंकल भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कैसी हैं आप जीते रहो बैठो मैं ठीक हूँ बेटा आप सुनाओ माशाल्लाह बेटे खुद ही आए हो या हवा इधर की चल रही थी तो आ गए हो अंकल वो आयजा का फोन आया था उसे परस चाहिए था वो देने आया था आओ बेटा पहले खाना खा ले नहीं आंटी वो परस देने आया था, बस जा रहा हूं अब मैं। बेटे रात बहुत होगी, सुबह चले जाना नहीं, नहीं, नहीं? आंटी सर घर पे नहीं है बहु हमारे कमरे में सो जाएगी आप लोग उधर सो जाना लो नया झगड़ा तैयार तो है <laughs> <laughs> ओहो भाईजान खाने को इंतजार नहीं करवाते फिर खाना है लगता है तुम्हें भी किसी हलवा कद्दू की बदवा है <laughs> नाजरी इंडिया लेते छोटी सी ब्रेक साथू कानू फेट यानी अखियां में बाबुआ अल्लाह करे दुनिया तरजिया में बाबुआ